गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो वी विल स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, माइग्रेशन टाइप्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज. सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट माइग्रेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट बुक वर्ल्ड ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें हमने पढ़ा था माइग्रेशन के बारे में. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इंडिया. इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट इंडियाज माइग्रेशन, यानी इंडिया के अंदर. फर्स्ट वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन. माइग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू सम रीजन्स. वो रीजन आपका क्या हो सकता है? रीजन में भी ड्यू टू फॉर द जॉब, फॉर एजुकेशन, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स, कुछ भी हो सकता है. वो रीजन उसके कारण क्या होता है, जब पीपल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन. मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड माइग्रेशन. सो इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. What are the causes of migration and consequences? What are the results of migration? When the people are doing migration, what effect is done come on the country? That we will discuss now. So first we will discuss the definition of migration. What is the definition of migration? So about this migration, United Nations UNA has given one definition. What is the definition they have given? Movement of a person or persons from one place to another involving a permanent move of one home for over 1 year. They are saying ki when a people move from one place to another place, they are maybe permanent or they are moving for 1 year or 2 years or less than 1 years. So that is called migration. Usko hum kya bolte hain? Migration bolte hain. Then one Britannica encyclopedia mein bhi iski definition banayi hui hai. What is said? Human migration is the permanent change of residence by an individual or group, excluding such movements as nomadism and migrant labor. Human migration का उन्होंने कहा कि permanent change of residence भी हो सकता है. The people can move from one place to another place and they will start living in that area. They will not come again in that area. वापस वो नहीं आते, वहीं रहने लग जाते हैं, तो वो permanent हो गया. Individually और group का भी हो सकता है. Then इसके अलावा movement किसका हो सकता है? Nomadism. Nomadism क्या होता है? The people, those who are moving with their animals from one place to another, seasonal movement जो करते हैं उनका, जो अपने animals को लेकर seasonal movement करते हैं. जैसे आपने गुजर बकरवाल के बारे में पढ़ा है, जो आपके जम्मू कश्मीर में हैं. They are moving from during the summer season, they are coming in the, they remain in their own area. जब winter will come, they will leave that area, क्योंकि winter में वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो वो नीचे वाले area में जो आपका plain area जैसे उत्तराखंड है या पंजाब हरियाणा, वहाँ पर आ जाते हैं. तो वो nomadism वाला, वो भी इसमें आता है migration में. And migrant labor, migrant labor, you know very well, the people of Bihar, they are coming in Haryana and Punjab for the work, and after the finishing the work, they are going again in their own area. तो वो migrant labor होता है. जो labor क्या करता है? Migration करता है कुछ समय के लिए और उसके बाद में वापस चला जाता है, तो वो भी क्या है? एक माइग्रेशन का टाइप है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन दैट वी हैव डिस्कस्ड. नाउ नेक्स्ट इज अगेन, माइग्रेशन इज ग्लोबल. वी कैन नॉट से दैट माइग्रेशन इज ओनली इन इंडिया, इट इज़ ग्लोबल. यानी माइग्रेशन है वो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया से ही लोग जाते हैं या इंडिया में कोई लोग आते नहीं है या अदर कंट्रीज में, ऐसा नहीं है, इट इज़ ग्लोबल. नाउ व्हाट इज सेड? इन 2005 191 मिलियन पीपल वर अकाउंटेड एज लिविंग आउटसाइड द कंट्री ऑफ देयर बर्थ. यानी 191 मिलियन लोग जो थे वो क्या कर रहे थे? वो अपने कंट्री से बाहर रह रहे थे, यानी वेयर दे बोर्न, उस कंट्री को छोड़कर वो दूसरे कंट्री में रहने लग गए थे. ये कहा गया है कि 2005 के अकॉर्डिंग 191 मिलियन पीपल दे वर लिविंग आउटसाइड द कंट्री वेयर दे वर बोर्न, यानी उस कंट्री से बाहर रह रहे थे जहाँ पर वो पैदा हुए थे. द नंबर ऑफ माइग्रेंट्स वर्ल्ड वाइड हैज़ डबल्ड सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में माइग्रेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं? डबल हो गए हैं, यानी उनका मूवमेंट है वो ज़्यादा हो गया है. इफ़ दे लिव्ड इन द सेम प्लेस, इंटरनेशनल माइग्रेंट्स वुड फॉर्म द फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. एक स्ट्रेंज डाटा है, वंडरफुल डाटा दिस, यू कैन सी कि अगर हम जो देखें कि जो लोग बाहर माइग्रेशन करके जा रहे हैं, अगर उनको हम इकट्ठा कर लें तो एक कंट्री है वो फिफ्थ पॉपुलस कंट्री बन सकता है. यानी इतनी पॉपुलेशन बाहर माइग्रेशन करती है. यानी इस 191 मिलियन को आप कह सकते हो कि ये कंट्री के बराबर ही है. और कितना? फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री अगर माना जाए वर्ल्ड का, तो उसके बराबर है ये. तो इतने लोग माइग्रेशन करते हैं. तो इसमें लास्ट वाले में क्या कहा गया है कि अगर इंटरनेशनल माइग्रेंट को हम, इंटरनेशनल माइग्रेंट यानी जो हमारे इंडिया से बाहर जाते हैं, इंडिया में आते हैं या दूसरे कंट्रीज में, यूरोप में जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से दूसरे कंट्री में जाते हैं, यूएसए में जाते हैं, तो अगर उनको सारों को हम एक प्लेस पे इकट्ठा कर लें, तो
वो क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड का फिफ्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन सकता है, इतनी पॉपुलेशन है वो आपका माइग्रेशन करती है. दिस थिंग इज गिवन अबाउट द माइग्रेशन इज ग्लोबल. नाउ नेक्स्ट इज इट इज गिवन अबाउट द माइग्रेशन कि हाउ मेनी पीपल आर देयर डूइंग माइग्रेशन. कंट्रीज का नेम दिया हुआ है वहाँ पे माइग्रेशन करके जाते हैं, ये सारा इसमें दिया हुआ है. यू कैन सी इट, USA है, रशिया है, जर्मनी है, यूक्रेन, इंडिया इज ऑल्सो गिवन हेयर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट इज द टॉप 10 कंट्रीज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, यानी उन कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं जहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल माइग्रेंट्स हैं. उसमें USA सबसे पहले है, फिर आपका रशिया है, फिर जर्मनी है, यानी यहाँ पे अदर कंट्रीज से माइग्रेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा गए हुए हैं. तो ये इसके अंदर आपका दिया हुआ है. नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन. टाइप्स ऑफ माइग्रेशन का मतलब क्या होता है कि माइग्रेशन किस प्रकार लोग करते हैं, हाउ पीपल आर डूइंग माइग्रेशन, हाउ दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, किस कौन सा होता है. सो फर्स्ट इज गिवन इंटरनल माइग्रेशन. इंटरनल माइग्रेशन का मतलब होता है कि द पीपल चेंज देयर रेजिडेंस विद इन नेशनल बाउंड्रीज, यानी जब लोग कंट्री को ना छोड़कर उस कंट्री के अंदर ही डिफरेंट स्टेट्स में मूवमेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका इंटरनल रेजिडेंस बोलते हैं, इंटरनल माइग्रेशन बोलते हैं. उसके जैसे आपका उसमें हो सकता है स्टेट्स के अंदर, जैसे आपका बिहार के लोग हरियाणा पंजाब में आते हैं काम करने के लिए, वो इंटरनल माइग्रेशन है. प्रोविंसेस एरिया वाइज होता है, जैसे आपका क्या है कि हरियाणा के लोग दिल्ली में जाते हैं, या दिल्ली हरियाणा के एरिया में कोई ऐसा एरिया जहाँ पे लोग काम ज़्यादा मिलता है. सिटीज़ शहरों में जाते हैं फॉर बेटर जॉब. एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ जो बड़े छोटे छोटे टाउन है, कस्बे है, जहाँ पे लोगों को क्या है, या बड़े जो शहर हैं उनके अंदर लोगों को रोज़गार मिलता है. और अदरवाइज आपका क्या होता है, दोज आर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, दे आर ट्रांसफर्ड बाई द गवर्नमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो वो जाना भी क्या होता है, वो इंटरनेशनल माइग्रेशन ही आपका होता है. देन नेक्स्ट इज गिवन इंटरनेशनल माइग्रेशन. इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है, वैन पीपल लीव देयर कंट्री एंड गो इन अनदर कंट्री, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल माइग्रेशन. यानी जब लोग अपने एक देश को छोड़कर दूसरे देश में चले जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं. इसमें क्या कहा गया, दिस रेफर टू चेंज ऑफ रेजिडेंस ओवर नेशनल बाउंड्रीज, यानी इसमें क्या होता है आपकी कंट्री की बाउंड्री चेंज हो जाती है. एंड इंटरनेशनल माइग्रेंट इज समवन हु मूव्स टू अ डिफरेंट कंट्री, यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट में क्या करता है, एक व्यक्ति अपना देश छोड़कर दूसरे देश में चला जाता है, उसको हम इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं. नेक्स्ट इज गिवन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स आर फर्दर क्लासीफाइड. इंटरनेशनल माइग्रेंट है उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एक तो था लीगल इमिग्रेंट्स, लीगल इमाइग्रेंट्स. एक होता है इमाइग्रेंट्स, एक होता है एम माइग्रेंट्स. इम तो जहाँ पे हम पहुँचते हैं, जिस कंट्री में हम जाएंगे रीच करेंगे उसको हम बोलते हैं इमाइग्रेंट्स. एम माइग्रेंट्स होता है आपका जिस कंट्री को हम एग्जिट करेंगे, जिसको छोड़ेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल ए पर्सन गो फ्रॉम इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया, यानी एक व्यक्ति इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में जाता है, तो वो इंडिया से गया तो वहाँ पे उसका क्या हुआ है, एम माइग्रेंट्स हुआ है. और जहाँ वो ऑस्ट्रेलिया में जाएगा वो क्या होगा, उसका इम माइग्रेंट्स होगा. यानी आई और ई का डिफरेंस है यहाँ पे, वो याद रखना है, आई का मतलब इन और ई का मतलब एग्जिट. तो इसमें बताया, पहला बताया गया लीगल इम माइग्रेंट्स आर दोज हु मूव्ड विद लीगल परमिशन ऑफ द रिसीवर नेशन. यानी जैसे इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में गया तो उसको वीज़ा लगाना पड़ेगा, उसका वीज़ा अप्रूव होगा, ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है उसकी गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी, तब वो उस देश में जाएगा, तो वो क्या होगा, लीगल इम माइग्रेंट्स होगा. इलीगल इम माइग्रेंट्स आर दोज हु मूव्ड विदाउट लीगल परमिशन. यानी इलीगली माइग्रेंट्स वो होते हैं जो विदाउट परमिशन के क्या है, अपने दूसरे कंट्रीज़ के अंदर चले जाते हैं. जैसे इंडिया के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है बांग्लादेशी पीपल की, बांग्लादेश के कुछ लोग हैं या नेपाल के कुछ लोग हैं, वो क्या करते हैं, इलीगली वे में इंडिया में रहने लग गए हैं, इसके कारण वो इलीगली माइग्रेंट्स में आते हैं. जैसे आपके वो अभी NRC के बारे में बात चल रही है, कि हम नेशनल रजिस्टर चार्टर्ड के बारे में बात चल रही है, उसके बारे में डिस्कशन, सिटीजन के बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो वो इलीगल माइग्रेंट्स के लिए हो रहा है, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि कितने लोग हमारे देश में इलीगल रह रहे हैं. इसके बाद में आता है रिफ्यूजीज़ क्या होते हैं. रिफ्यूजीज़ आर दोज हु क्रॉस एन इंटरनेशनल बाउंड्री टू एस्केप प्रोसिक्यूशन. जैसे आपको पता हो फर्स्ट जो आपका 1947 में इंडिया का पाकिस्तान के साथ में बंटवारा जो हुआ था, उस टाइम काफ़ी लोग क्या कर गए थे,
पाकिस्तान से इंडिया में आ गए थे और इंडिया से पाकिस्तान में चले गए थे। क्यों? क्योंकि उस समय लोगों को वहाँ पे मारा जा रहा था, हिंदुओं को पाकिस्तान में मारा जा रहा था, इंडिया में मुस्लिमों को मारा जा रहा था। इसलिए क्या है, जो लोग वहाँ से अपने देश में आ गए थे तो इनको बोलते हैं शरणार्थी। फिर रिफ्यूजीज को क्या बोलते हैं, शरणार्थी, जो ड्यू टू सम रीजंस यानी डर के कारण या कुछ और कारण से उस देश को छोड़कर दूसरे देश में आ जाते हैं तो उनको बोलते हैं हम रिफ्यूजीज। तो ये आपका था टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। अब इसके बाद में है ट्रेंड्स इन माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन का ट्रेंड है, यानी माइग्रेशन लोग करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए, उसके कारण क्या थे, एंशियंट टाइम में क्या कारण थे, एंशियंट टाइम में क्यों करते थे, अब क्यों कर रहे हैं, वो सारे इसमें बताए गए। तो ट्रेंड इन माइग्रेशन बताया गया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, ब्रिटिश पीरियड, जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था तो उस समय क्या था, मिलियंस ऑफ इंडियन लेबरर्स वर सेंट टू कंट्रीज सच एज मॉरिशस, कैरेबियन आइलैंड, फिजी एंड साउथ अफ्रीका बाय ब्रिटिश फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार टू वर्क एज प्लांटेशन वर्कर्स। यानी ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या किया, उत्तर प्रदेश और बिहार से कुछ लोगों को क्या किया, मॉरिशस कंट्री है जो आपका उसमें भेज दिया था, कैरेबियन कंट्रीज, कैरेबियन आइलैंड जो आपका जमैका, किंगस्टन जिसको हम वेस्ट इंडीज़ बोलते हैं इकट्ठे को, वहाँ पे भेज दिया था, फिजी कंट्री है वहाँ पे भेज दिया था, साउथ अफ्रीका में भेज दिया था। तो यहाँ पे लोगों ने उनको भेज दिया था, किसके लिए भेजा था, प्लांटेशन में काम करने के लिए, प्लांटेशन वर्कर के तौर पर, ना कि उनको वहाँ पे कोई जॉब मिलेगी, प्लांटेशन वर्कर में एज ए स्लेव, बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर के तौर पर उनको भेजा था वहाँ पे, और वहाँ पे वो वही काम करेंगे, ठीक है। अब फिजी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया के लोग रहते हैं, फिजी के अंदर, मॉरिशस में भी बहुत ज़्यादा लोग इंडियन है, क्यों, क्योंकि उस टाइम प्लांटेशन वर्कर को वहाँ पे भेज दिया गया था इंडियन को, तो वो वहीं पर रहने लग गए थे। इन द 20th सेंचुरी सेमी स्किल्ड इंडियन माइग्रेटेड टू द नेबरिंग कंट्रीज एज थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड अफ्रीकन कंट्रीज एज आर्टिशन, ट्रेडर एंड फैक्ट्री वर्कर। 20th सेंचुरी में क्या हुआ, 1900 टू 2000 के बीच में आप कह सकते हो, इसके अंदर इसमें सेमी स्किल्ड लेबर थे, यानी जो थोड़ा बहुत काम कर सकते थे, कलाकार थे, फर्नीचर का काम कर सकते थे, और जो फैक्ट्री में थोड़ा बहुत सेमी स्किल्ड काम कर सके, उनको क्या किया गया, नेबरिंग कंट्री में ट्रांसफ़र कर दिया गया था, जैसे आपका थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ब्रुनेई है, अफ्रीकन कंट्रीज है, वहाँ पे भेज दिया गया था। अब रिसेंट टाइम में क्या हो रहा है, रिसेंट टाइम जो हमारा प्रेजेंट टाइम है उसमें क्या हो रहा है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, मीडिया पर्सन है, माइग्रेटेड टू कंट्रीज एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, इंडियन मीडिया पर्सन, माइग्रेटेड टू कंट्रीज सच एज USA, कैनेडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी। अब हमारे यहाँ पे क्या है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जो वेल क्वालिफाइड है, इंजीनियर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको वीज़ा लग जाता है, उनको दूसरे देशों में जॉब मिल जाती है, तो वो वहाँ पे जाके जॉब करने लग जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा गूगल का जो CEO है सुंदर पिचई, ही बिलोंग्स टू इंडिया, वो इंडिया से बिलोंग करते। तो ऐसे काफ़ी ऐसे जो आपके इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो क्या है, इंडिया से माइग्रेट कर दूसरे देशों में चले गए और वहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं। तो ये प्रोफेशनल माइग्रेशन आपका था उसके अंदर, उसके कारण वो इन देशों के अंदर, क्योंकि वहाँ पे उनको पैसा ज़्यादा मिलता है, वहाँ पे उनकी सैलरी ज़्यादा है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड उनको बढ़ जाता है, उनको सेफ्टी ज़्यादा देती है, आपका फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है, उसके कारण वहाँ पे रहने लग गए हैं, वहाँ पे उन्होंने जॉब करना स्टार्ट कर दिया। तो ये आपका ट्रेंड इन माइग्रेशन था दैट वी हैव डिस्कस। सो व्हाट यू विल डू, यू विल रीड फ्रॉम बुक एंड इफ यू हैव एनी डाउट वी विल डिस्कस इन द जूम मीटिंग इन द इवनिंग, देर विल बी अ जूम मीटिंग अबाउट दिस चैप्टर दैट वी हैव डिस्कस। इतना हमने आज डिस्कस किया उसकी आपके जूम मीटिंग है।